हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज के बारे में। बोलेंगे नहीं, करके दिखाएंगे। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले तो ये सीरीज किस तरह से वर्किंग करेगी वो हम लोग डिस्कस करेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये सीरीज का पर्पस क्या है। अब कितनी भी कंपनीज आपने देखी होगी और सभी कंपनीज के प्रोडक्ट आपने यूज़ भी किए होंगे काफ़ी कंपनीज के, बट कभी भी कोई भी कंपनी एक एंड गोल के ऊपर फोकस नहीं करते हैं। एंड गोल क्या होता है कि कस्टमर को रिजल्ट लाना है, कस्टमर को बेनिफिट प्रोडक्ट को, क्योंकि कोई भी अगर आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो आप प्रोडक्ट इसलिए नहीं यूज़ कर रहे क्योंकि उसका लेबल अच्छा दिखता है, इसलिए नहीं यूज़ करते कि उसके ऊपर प्रोटीन ज़्यादा है कम है क्या है, क्योंकि इसके अंदर मेन चीज़ है क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। और जब आप क्वालिटी आपको कब पता चलेगी, जब आप वो एक्चुअल प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, जब आप प्रोडक्ट यूज़ करेंगे आप उसका बेनिफिट लेंगे, आप खुद को ट्रांसफॉर्म होता हुआ देखेंगे, तभी आपको पता चलेगा प्रोडक्ट का क्वालिटी क्या है। यहाँ पर कंपनी ने काफ़ी अभी लास्ट में बोनस ऑफर निकाला था, जिसके अंदर कंपनी ने बहुत ही बड़ा बेनिफिट सभी कस्टमर्स को, सभी एसोसिएट्स को पास ऑन किया था। अब वो टाइम है कि यहाँ पर आप वो प्रोडक्ट्स को यूज़ करें, और यहाँ पर यूज़ करके आप इसका बेनिफिट ले सकते हो और साथ में प्राइसेस ले सकते हो। इसमें 50 पार्टिसिपेंट्स ऐसे होंगे जो कंपनी सिलेक्ट करेगी, और उनको वॉरियर का टाइटल मिलने वाला है। वॉरियर का टाइटल इसलिए मिल रहा है, एक कंपनी ने बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट निकाला है 50 वॉरियर्स का। 50 वॉरियर्स वो होंगे जिन्होंने, आप तो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो बट आप कितने लोगों को मोटिवेट भी करना है आपको सेम टाइम पे, कि वो लोग भी ट्रांसफॉर्मेशन करें आपके साथ, और सेम टाइम पे वो लोग का भी आपको ट्रांसफॉर्मेशन में उनको किसी न किसी वे में आपको हेल्प करना है। क्योंकि क्या होता है कि कितनी बार ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं बट स्टार्ट करने के बाद कितनी बार ट्रांसफॉर्मेशन छूट जाता है, वो क्यों होता है, उसका एक मेन रीज़न है कि गाइडेंस सही नहीं होता है, या फिर आपका मोटिवेशन लेवल फ्लक्चुएट होता रहता है, आपके साथ कोई ना कोई पर्सन आपको डीमोटिवेट करता है उसकी वजह से। बट यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक कम्युनिटी बना दिया है हम लोग ने आपको एक प्रोजेक्ट मैनेजर असाइन कर दिया है, जो आपको डेली बेस पे जो एक्टिविटीज़ होने वाली है, जो आपको वर्कआउट्स है, जो आपको डाइट लेना है, जो आपको सप्लीमेंट किस तरह से यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें आपको आपके पर्सनल, जो पार्टिसिपेंट्स हो चुके हैं 200 उनको पर्सनल बेस पे मिलने वाली है। और दूसरे भी जो लोग हैं जिनको ट्रांसफॉर्मेशन करना है, उनके लिए वेबसाइट पे सारी चीज़ें अपडेट होती रहने वाली है, तो वो लोग वहाँ से भी डेली बेस पे अपडेट ले सकते हैं। प्लस कंपनी का एक अलग से ग्रुप बना हुआ है फेसबुक पे, एक कम्युनिटी बनी है और ट्रांसफॉर्मेशंस करके, तो वहाँ पर आप डायरेक्टली आकर कोई भी क्वेरी आपकी रहती है तो वहाँ पर भी आप पूछ सकते हो, भले आपने पार्टिसिपेट किया है या नहीं किया है, आप वहाँ पर आकर भी उसमें क्वेश्चंस जो भी आपके रहते हैं वो पूछ सकते हो, आपको वहाँ पर उसके आंसर्स मिलेंगे, और जो आपके सब जो ट्रांसफॉर्मेशंस कर रहे हैं एक्चुअली जिन्होंने ट्रांसफॉर्मेशंस किया है उनके थ्रू मिलेंगे, तो आपको गाइडेंस और बेटर वे में मिलेगा वहाँ पर। सेकेंडली इसके अंदर हम लोग बता रहे थे वॉरियर का कॉन्सेप्ट, उसमें आपको क्या करना है, 60% जो टाइटल विनर्स रहेंगे 60% आपके ट्रांसफॉर्मेशन पे बेस्ड होगा, बट 40% जो आप डेली एक्टिविटी कंपनी की तरफ से हो रही है उसके अंदर जब पार्टिसिपेट करोगे तो उसमें से 40% आपका वो रेशियो कैलकुलेट होने वाला है। 40% जो रेशियो रहेगा आपका वो एक्टिविटी के ऊपर बेस्ड रहेगा। एक्टिविटीज मतलब जो कंपनी की तरफ से हम लोग बता रहे हैं कि आपको दूसरे लोगों को भी मोटिवेट करना है कि वो भी ट्रांसफॉर्मेशन कर सके, वो किस तरह से कर सकते हैं, सिंपल है कि आप जो ट्रांसफॉर्मेशंस कर रहे हो आपका क्या गोल है वो आप डेली बेस पे जैसे जैसे बताते जाओगे लोग देखते रहेंगे, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ आपने जो वर्कआउट कर रहे हो उसको जैसे पोस्ट किया है आपको कंपनी को टैग कर देना है, और आप क्या एक्टिविटी कर रहे हो, क्या वर्कआउट कर रहे हो, क्या डाइट ले रहे हो, क्या सप्लीमेंट ले रहे हो, उसको आप एक तरह से जो आपका सोशल मीडिया का प्रॉपर यूज़ करना है वो सिर्फ आपको उसको लाइव करते आना है। उससे क्या होगा, जैसे आप जैसे ट्रांसफॉर्म कर रहे हो और जैसे जैसे आपका ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा तो आपके फ्रेंड्स जो है वो भी वो आपको देखेंगे ट्रांसफॉर्म होते हुए, वो भी लाइव, तो ये चीज़ आप एक तरह से उनको मोटिवेट करोगे, और यही चीज़ कंपनी चाहती है कि आप तो ट्रांसफॉर्म करो, आप बेनिफिट लो, बट साथ साथ में आप दूसरे लोगों को भी मोटिवेट करो, और इसी तरह से जितने भी लोग पार्टिसिपेट करेंगे, जो डेली एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे, खुद का भी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे और दूसरों को भी ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करेंगे, वो वॉरियर्स की कैटेगरी में आएंगे, और वैसे 50 वॉरियर्स कंपनी की तरफ से सिलेक्ट होने वाले हैं। एंड लास्टली इसके अंदर इंटरेक्टिव सेशन होने वाले हैं, और जो भी हम लोग के ब्रांड एम्बेसडर्स है, रूबल धनकर है, अमित पंगाल जी है, देन जितेंद्र राजपूत है, सोनू सिंह मिस्टर इंडिया है, तो ये सभी लोगों के साथ आपके इंटरेक्टिव सेशन होंगे, जहाँ पे आप 1-to-1 अगर आपको कुछ क्वेरीज है तो वो भी आप पूछ सकते हो, और उनके साथ भी आप एक तरह से पर्सनल डेवलपमेंट और पर्सनल ग्रोथ कर सकते हो। तो ये आपके पास एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म रहेगा जहाँ पर आप नॉलेज गेन भी करोगे, साथ में आप नॉलेज शेयर भी करोगे, और दूसरों को मोटिवेट करके उनके भी ट्रांसफॉर्मेशन में आप हेल्प करोगे।
तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो आगे जाके बहुत ही बड़ा होने वाला है, और अगर आप अभी से पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इसके अंदर आप अपना नाम अभी से एस्टेब्लिश कर सकते हो। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है। अगर आप पार्टिसिपेट, अगर फॉर्म फिल आपका नहीं हो पाया है, आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हो, फिर भी आपके पास चांस है, आप इसके अंदर रजिस्ट्रेशन, आप डेली इसके अंदर जो भी वर्कआउट आ रहा है, सप्लीमेंटेशन आपको पता चल रहा है, सभी चीज़ें यहाँ पे कंपनी की वेबसाइट पे लाइव है। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ प्रोडक्ट यूज़ करना है, साथ में दूसरे कंपनी को टैग करते रहना है, और डेली बेस पे आपका एक्टिविटी लेवल है उसको इंक्रीज करके रखना है, और आप भी इसका बेनिफिट ले सकते हो ट्रांसफॉर्मेशंस में। और यहाँ पर भी चैनल पे भी आपको डेली बेस पे कोई ना कोई एक्टिविटी और काफ़ी नॉलेज यहाँ से भी आपको मिलने वाला है, तो वो नॉलेज आपको ग्रैब करना है, और आपको भी अपना खुद का यूट्यूब चैनल बना के आपको भी ये सारी चीज़ें लाइव करनी है, क्योंकि बात वही है, बोलेंगे नहीं करके दिखाएंगे। आपको ये चीज़ अब बोलना कम है, ज़्यादा चीज़ों पर वर्क करके दिखाना है, ठीक है।